दोस्तों आ गए हैं लोकी का थर्ड एपिसोड और भाई क्या बात है, मतलब मजा आ गया है इस एपिसोड को देख के, क्योंकि इस एपिसोड में आपको लोकी के ऐसे ऐसे कारण देखने को मिलते हैं ना कि क्या बताऊं। तो बस आज हम इसी एपिसोड के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन पिलवान, आप देख रहे हैं फिल्मी कटाक्ष। तो ज्यादा बात न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी से, पर उससे पहले जान लेते हैं कि फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में क्या क्या हुआ था। तो फर्स्ट एपिसोड में एवेंजर एंड गेम की सिनेरियो से स्टार्ट होती है कहानी, जहां लोकी टेसरैक्ट को लेकर भाग जाता है और उसके साथ क्या क्या होता है, वो टीवीए से किस तरीके से मिलता है और वो टीवीए का पार्ट किस तरीके से बनता है, ये सारी स्टोरी फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखाई गई है। जहां मोबिस लोकी को बताता है कि कोई टीवीए की यूनिट्स को मार रहा है और वो कोई और नहीं लोकी का दूसरा वेरिएंट ही है, जहां हमें फर्स्ट टाइम लोकी के दूसरे वेरिएंट की एक झलक देखने को मिलती है और यही बहुत तगड़ा सस्पेंस रहता है और सारे मार्वल के फैंस के मन में एक क्यूरियोसिटी उठ जाती है भाई क्या होता है क्या नहीं। और बेसिकली सेकंड एपिसोड में लोकी और मोबिस की जर्नी दिखाई जाती है कि वो किस तरीके से लोकी के वेरिएंट के पास पहुंचते हैं, जहां फर्स्ट टाइम लोकी और लोकी का दूसरा वेरिएंट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और हमें फीमेल लोकी का चेहरा देखने को मिलता है, जहां फीमेल लोकी सारे रीसेट चार्जर को लेके शाज़र टाइमलाइन को ही उड़ा देती है और टीवी में हलचल मच जाती है और यही सस्पेंस रह जाता है कि भाई लोकी और फीमेल लोकी गए तो गए कहां। खैर गए कहीं भी हो, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अब टीवी की हवा टाइट होने वाली है, क्योंकि यार ये तो एक लोकी तो बहुत परेशान थे और अब तो ये दोनों मिल गए हैं तो अब तो तांडव होगा तांडव। तो थर्ड एपिसोड को देखने से पहले अगर किसी ने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखा हो तो वो आई बटन पर क्लिक करें, क्योंकि इसमें मैंने फुल डिटेल में बता रखा है कि फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में हुआ तो हुआ क्या था। सो बात करते हैं थर्ड एपिसोड की, जहां हमें फर्स्ट सीन में सेकंड एपिसोड के रिकैप को दिखाया गया है, जहां रोजर 2015 में टीवी के लोग आ जाते हैं और यहां हम देखते हैं कि फीमेल लोकी किस तरीके से कमांडर से टाइमकीपर्स के बारे में जानकारी निकलवा रही होती है और ये तो हम देख ही चुके हैं कि कैसे लोकी और फीमेल लोकी एक दूसरे से मिलते हैं। सस्पेंस रह जाता है कि लोकी और फीमेल लोकी गए तो गए कहां। तो जैसा कि हम सभी प्रिडिक्ट कर रहे थे कि वो दोनों टीवी हेडक्वार्टर्स में गए होंगे और यही हमें देखने को मिलता भी है। और हम यहां देखते हैं कि फीमेल लोकी टीवी के सोल्जर्स पे अपना जादू चलाने की कोशिश करती है, पर भाई वो टीवी वहां किसी की पावर्स वर्क नहीं करती। फिर क्या था, जैसे ही टीवी के सोल्जर फीमेल लोकी को देखते हैं उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो सारे टीवी के सोल्जर एक एक पंच में ही धनाशायी हो जाते हैं। अब यार यहाँ मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब टीवीए इतना पावरफुल है और वो इतने बड़े बड़े पावरफुल वेरिएंट्स को पकड़ते हैं तो उनके सोल्जर्स में दम क्यों नहीं है। तो अगर ऐसे में थानोस अपनी फौज को लेकर आ जाए तो टीवीए तो बर्बाद है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकी फाइट के दौरान टेम्पलेट का इस्तेमाल करके टाइम ट्रेवलिंग करता है और पहुंच जाता है ऐसी जगह जहां हर तरफ तबाही है, और ऐसा करके लोकी फीमेल लोकी का प्लान बहुत बुरी तरीके से फेल कर देता है। और फाइनली यहाँ से हमें लोकी की कुछ पावर्स देखने को मिल जाती हैं, जो दो एपिसोड से मिसिंग लग रही थी और अब ये यहाँ आके फंस चुके हैं, क्योंकि टेम्पलेट की बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और रिचार्ज करने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं सो दैट वो टेम्पलेट को रिचार्ज कर सकें। और पहुंचते हैं एक ऐसी बस्ती में जहाँ कोई है ही नहीं, बस उन्हें एक औरत मिलती है जो बताती है कि सारे लोग उस प्लेन से निकलने के लिए ट्रेन ले रहे हैं जहाँ टिकट चाहिए, पर अपने लोकी भैया को ट्रेन की क्या जरूरत, वो लोकी है भाई, वो कुछ भी कर सकता है, वो सब कुछ करेगा लेकिन ट्रेन का टिकट नहीं लेगा। और वो किसी तरह ट्रेन में बैठ जाते हैं जहाँ लोकी और फीमेल लोकी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और बात करते करते एक पॉइंट पे वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि उनको अपनी पावर्स कैसे कैसे मिली और लोकी फीमेल लोकी से पूछता है कि मिशन खत्म करके कोई है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जहाँ फीमेल लोकी हंसकर जवाब देती है, जब से मैंने समय में एक प्रलय से दूसरे में भागना फिरना शुरू किया है तब से मैं एक पोस्टमैन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ। और इसके बाद फीमेल लोकी कहती है कि अब हम थक चुके हैं, अब हमें आराम कर लेना चाहिए। और जब वो सो के उठती है तो वो देखती है कि लोकी बारटेंडर के साथ खड़ा है जाम लेकर और वो फीमेल लोकी को देखकर गाने गाने लगता है, जिसे देख कुछ लोगों को उस पर शक होने लगता है और वो सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेते हैं और उसे टिकट दिखाने के लिए बोलते हैं, जहां लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और इसी दौरान गार्ड्स लोकी को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं, जैसे हम सलमान भाई की एक्टिंग को देखकर टीवी बंद कर देते हैं। और जब हमारा हीरो ट्रेन से बाहर फेंक ही चुका है तो हीरोइन कैसे पीछे रह सकती है, वो आखिरकार वो भी कूद ही पड़ती है। और इसके बाद हमें इनकी थोड़ी सी नोकझोंक भी देखने को मिलती है और इसके बाद ये निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। और अब वहां पहुंचने पर क्या सीन होता है, क्योंकि जहां लोकी हो वहां सब कुछ ठीक नहीं रह सकता। खैर यही इस एपिसोड का सस्पेंस भी है कि वहां जाके क्या क्या होता है और इन्हें क्या क्या देखने को मिलता है।
क्योंकि इसी से अगला एपिसोड को देखने के लिए क्यूरियोसिटी उठती है। तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा या हमारे वीडियो में क्या अच्छा लगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमें कोई भी सलाह या सुझाव देना चाहें तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।